वर्ष 2022 को खत्म होने में 2 दिन शेष है। कुछ के लिए यह साल अच्छा है तो कुछ के लिए बुरा, लेकिन आने वाले नए साल से सभी को बेहतर उम्मीदें हैं। जीआरपी के लिए यह साल कैसा था, इसका जानकारी रेलवे एसपी ने साझा की, जिसके तहत इंदौर रेलवे पुलिस के लिए वर्ष 2022 उपलब्धियों से भरा रहा। चाहे वह अपराध दर्ज करना हो, उन्हें ट्रेस करना या फिर चोरी किए गए माल को बरामद करना। वहीं अपराधों के मामले में उज्जैन जीआरपी थाना नंबर 1 पर काबिज है तो रतलाम दूसरे पायदान पर, तीसरे नंबर पर इंदौर है। रेलवे एसपी निवेदिता गुप्ता ने गुरुवार को मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इंदौर जीआरपी के लिए यह साल मिश्रित सफलता वाला रहा। साल भर में 824 मोबाइल चोरी हुए, जिसमें 550 ट्रेस किए गए और 402 मामलों में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 1 करोड़ से अधिक की मोबाइल व अन्य सामानों की रिकवरी और 66,60,000 रुपए के मशरूका की बरामदगी की गई। इस वर्ष चोरी गए सामान की रिकवरी का प्रतिशत 40% रहा। इंदौर का उपलब्धियों से ही भरा रहा। जहां एक तरफ हम गुम इंसान की बात करें, गुम इंसान में 100% सफलता रही, केवल अपने क्षेत्र की नहीं बल्कि दीगर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में कई बालक बालिकाओं की गुमशुदगी पे FIR दर्ज हो रखी थी। 366 के केस उनको यहां पर दस्तयाब करके प्रॉपर 100% सफलता के साथ उन्हें सुपुर्दगी दी गई। इसके अलावा मानसिक रूप से विक्षिप्त लगभग 6-7 बालक बालिकाएँ जो है ऐसे मिले जिनको खुद अपने पुलिस ने एक्टिव इंटरवेंशन करके उनको सुपुर्दगी दी। लूट के मामले अपने वहाँ जितने थे उसमें बरामदगी लगभग 66 लाख की रही है, 66,60,090 की, और पूरे जो संपत्ति संबंधी और मोबाइल संबंधी जितने भी अपराध हैं उनमें जो है बरामदगी कुल मिलाकर के 1,15,00,000 की रही है। बरामदगी का रिकवरी का परसेंटेज 40% रहा है, जो विगत वर्ष से जो है 3-4% ज़्यादा रहा है, जबकि पंजीकृत अपराधों की संख्या में लगभग 40% इजाफा हुआ है। पिछली बार 700 हमारे वहाँ पूरे इकाई अंतर्गत हुए थे अपराध दर्ज, इस बार लगभग 1200 दर्ज हुए हैं।